मेरा चैनल। तो आज आपको बताने वाले हैं कि यस वैलोरेंट का मेरा जो आईडी है वो हैक हो गया है, ना चाहते हुए भी, और पता नहीं कैसे हैक हुआ, बट मेरा जीमेल उसमें चेंज कर दिया गया। कोई दूसरा कोई जीमेल रिक्वेस्ट किया था उसका, तो जीमेल चेंज है। तो वो मैं स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम में दे दूँगा, इंस्टाग्राम का नीचे में, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का नाम नीचे में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और बता सकते हैं, सब देख सकते हैं कि मैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज में डालता हूँ, डाल दूँगा इसके बाद, स्ट्रीम करने के बाद मैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज में डाल दूँगा कि कौन सा जीमेल था, कैसा जीमेल था, सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगा आपको। तो बात करते हैं वैलोरेंट। हाँ, वैलोरेंट का 31 लेवल में था मैं, और मेरा बहुत सारा हार्बर खुल चुका था, जैसे कि सारी स्ट्रीम, जो पुराने स्ट्रीम जितने भी स्ट्रीम हैं आपने उसमें देखा होगा कि मैं हार्बर के साथ खेल चुका हूँ एक बार, मतलब बहुत बार खेल चुका हूँ, और स्ट्रीम पे भी बहुत बार खेल चुका हूँ। बहुत सारा योरू खोलने वाला था मैं, और इस आईडी जो अभी नया आईडी जो चल रहा है मेरा, उस पर तो सबसे पहले मैंने योरू ही खोला, क्योंकि सबसे लास्ट, सबसे आखिरी वही एक होता है कैरेक्टर जिसको खोल सकते हैं। वैलोरेंट में स्टार्ट कर देता हूँ, उसको स्टार्ट होने में भी बहुत टाइम लगता है, और वैलोरेंट आईडी जो है अभी जीमेल जो चेंज हुआ मेरा, उस जीमेल पे मैंने फिर से लॉगिन किया है। देखो जो भी हो, अरे ये मेरे को कोई ग्रजेस नहीं है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मैं मानता हूँ। हाँ वैलोरेंट चलेगा नहीं, चालू हो गया गाइस वैलोरेंट। तो जो भी हो मैं दिखा देता हूँ इस आईडी को, आप देख लें। ये है मेरा नया आईडी, लेवल 5, फिर से ग्राइंड करना होगा, और योरू खोल लिया मैंने। पहला दो मैच, पहला चार मैच, पहला फिनिक्स और के साथ खेला, फिर योरू योरू। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को इसमें, चला गया तो चला गया, उसको रोके कोई फ़ायदा नहीं है, एक आईडी ही था।